फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को सिखाई जाए यखनी, जो बहुत ही ताकतवर होती है और जिस्म को गर्म भी रखती है। तो सब लोग विंटर में सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूप और यखनी पिए। तो मैं आज जो यखनी बना रही हूँ थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से बनती है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ताकतवर होती है और सब लोग इसको पी सकते हैं, बच्चे बड़े सब इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी, अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज ली थी, तकरीबन आधी प्याज ली थी, उसको इस तरीके से ना स्लाइस कर लिया था मैंने। ठीक, एक टमाटर लिया था जिसे मोटा मोटा इस तरीके से काट लिया था। आप चाहें तो चार पीस में भी कर सकते हैं। नमक और काली मिर्च हमें यहाँ चाहिए होगी, ठीक है, थोड़ी सी। और मैंने यहाँ हरी मिर्चें ली हैं, मोटी भी बारीक कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तीन अदद मैंने ले ली हैं। इसके अलावा मैंने ली थी 1 kg चिकन, ठीक है, मैंने वैसे बोनलेस चिकन ली थी। आप जो मर्ज़ी चिकन ले सकते हैं, देसी मुर्गी भी ले सकते हैं और हड्डी वाले भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास बोनलेस था तो मैंने 1 kg बोनलेस लिया है। और जितनी यखनी आपको बनानी है ना, उसकी डबल क्वांटिटी का पानी एक पतीली में लेके उस यखनी को, चिकन डाली है मैंने उस पानी के अंदर, ठीक है, उसको बॉयल होने रखा है और उसके बाद हम ये प्रोसीजर करेंगे, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, मैंने यहाँ एक पतीले में पानी ले लिया था, ठीक है, और बोनलेस चिकन मैंने पूरी 1 kg के अंदर डाल दी थी, ठीक है, और इसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने बॉयल होने रखा। तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले मैंने इसको रखा है, ठीक है। चिकन कलर चेंज कर चुकी है और पानी का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, यखनी इसके अंदर थोड़ी सी ऐड हो गई है, ठीक है। 10 से 15 मिनट के प्रोसीजर में ये अपना कलर चेंज करके इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वो ये कि जो प्याज थे और जो टमाटर थे उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्टिंग में प्याज भी डाल दिए और अब जो टमाटर थे उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, दोनों चीज़ें ऐड कर दी। अब क्या करना है, हमने जो हरी मिर्चें हैं ना उसको बीच से हम चीरा लगाएंगे और फिर ऐड करेंगे। मैंने सेंटर से इसको चीरा लगा दिया तीनों को, अब इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक, एक चीज़ हो गई। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। अब हम इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से बॉयल होने देंगे। आँच थोड़ी सी तेज़ करूँगी ताकि इसमें बॉयल आए, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो रहा है। अब हमने क्या करना है, मैं इसमें से 1 चम्मच भर के नमक इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है, और तकरीबन 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगा। ऐड कर दिया 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया तकरीबन 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे। और अगेन इसको बॉयल होने देंगे। अब एक चीज़ और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ठीक है। जो लोग कम स्पाइसी पसंद करते हैं उन्होंने इस स्टेप को फॉलो नहीं करना, जो लोग मीडियम स्पाइसी पसंद करते हैं उन्होंने फॉलो करना, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगी, जो लाल पिसी भी मिर्चें होती हैं ना, पिसी भी लाल मिर्च, वो मैं ऐड करूँगी सिर्फ इतना इतना, हाफ का भी हाफ, यानी 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक, और इसको मिक्स कर देंगे। अब आप इसका कलर देखिए, कलर भी इसका मसाले डालने की वजह से चेंज हो चुका है, ठीक है, और ये अब इसके अंदर पकती रहे। अब तो इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है अगेन। अब एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, ठीक है, जिसको पसंद हो वो ऐड करे, ये ऑप्शनल चीज़ है, बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे इसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर बस क्योंकि ताकत ऐड हो जाती है जितनी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मुझे पसंद है। मैं इसके अंदर 1 लहसुन का जो जगह होता है ना उसको इसके अंदर ऐड कर, ठीक है। और अब ये तमाम चीज़ें जो हमारे इसके इंग्रेडिएंट्स थे वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, चिकन के साथ तमाम वेजिटेबल्स और जो जो चीज़ें थी वो सब इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ इसका फ्लेम जो है ना दम से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम, यानी जो लो मीडियम फ्लेम होता है मैं वो कर दूँगी इसको, ठीक है। ये मैंने इसके फ्लेम को लो मीडियम कर दिया और अब मैं इसको जो है,
अब मैंने इसको कवर कर दिया है इतना, ठीक है। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये इसी फ्लेम के ऊपर इसी तरीके से पकती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे 1.5 घंटा गुजर चुका है, अब हम यखनी को देखते हैं। ये देखें इसका जो है कलर भी अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है, जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली थी अब उनको देखें, हमने 1.5 घंटे तक स्लो आंच के ऊपर इसको पकने दिया। पक पक के जो सारी वेजिटेबल्स और चिकन का जितना भी अर्थ था ना वो तमाम इसके अंदर शामिल हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चिकन इसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है। जितनी चिकन थी वो मैंने इसके अंदर से निकाल ली है, ठीक है। अब ये बॉयल चिकन है मेरे पास, इसको मैं श्रेड करके फ्रीज कर दूंगी, ये बाद में इसका यखनी में हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। बाद में हमें जहाँ पे भी श्रेडेड चिकन की ज़रूरत होगी इसको लेटर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यखनी है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये पोटैटो क्रशर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर वैसे तो तमाम चीज़ें जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन जितनी भी वेजीज हैं पोटैटो क्रशर से उन्हें एक दफ़ा अच्छे तरीके से क्रश करेंगे ताकि जितना भी उसके अंदर एक्सट्रैक्ट है वो मजीद यखनी के अंदर शामिल हो जाए। इस तरीके से टमाटर और हरी मिर्च प्याज सबको हम अच्छे तरीके से क्रश करेंगे। मैंने तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से पोटैटो क्रशर की मदद से क्रश कर लिया है, इसमें तमाम मर्च इसके अंदर शामिल हो चुका है। अब हम सिर्फ इसका नमक मिर्च चेक करेंगे, अगर इसका नमक मिर्च सही है, नमक कम होगा तो हम मज़ीद ऐड करेंगे, और अगर सही होगा तो उसके बाद हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे, ठीक है। इसका जो रेसिपी होगा वो फेंक देंगे और यखनी हमारे पास रेडी होगी। हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमने तमाम जो यखनी थी उसको छान लिया है, रेसिपी सारा फेंक दिया है और टोटल हमारे पास यखनी मौजूद है, ठीक है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये है, कलर भी कितना प्यारा है, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ताकतवर होती है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है एक कप में निकालेंगे, और आप चाहें तो इसे बना के जो है थर्मस के अंदर भी रख सकते हैं, गर्म रहती है और सर्दियों में इसको इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये देखें, ये बहुत ही ताकतवर होती है, सबने इसको लाजमी बनाना है, लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। और फिर फीडबैक अपना शेयर करना है, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।